नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और एडिशनल जानकारी। दोस्तों, आज हम हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हाथ पर पाए जाने वाला एक्स का निशान, उसके बारे में बात करेंगे कि एक्स का निशान क्यों आ जाता है, इसके एक्स के आने से क्या फल मिलता है, एक्स का निशान जिन व्यक्तियों के हाथ में हो उन्हें क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये शुभ है या अशुभ है, इन सारी बातों को हम जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स का निशान अधिकतर जो है वो हमारे या तो पर्वतों पर होता है, ये जो जितने भी हाथ के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इन पर एक्स का निशान होता है, या फिर इन जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य जो ये जगह है इस पर भी जो है ज़्यादातर इसी पर एक्स का निशान होता है। तो इस हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो एक्स बनता है, इस एक्स का क्या फल है, इसका क्या प्रभाव है, गुड इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक्स का निशान जब बने मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जब एक्स बना हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर होता है, ऐसे व्यक्ति जो है हृदय से बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। जिनके भी एक्स होगा, निशान होगा, ऐसे व्यक्ति हर मामले में हर व्यक्ति की सहानुभूति करते हैं, हर प्रकार से हेल्प करने वाले होते हैं। इनका जो हृदय और मस्तिष्क जो दोनों हैं वो दोनों हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है ये हृदय को मस्तिष्क से जोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति दिमाग से थोड़ा कम काम लेते हैं और हृदय से ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए हर किसी से दिल लगा लेते हैं, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और हर किसी को अपने हृदय में बैठाने की कोशिश या हर किसी को अपने हृदय में जगह देते हैं। तो किसी भी तरीके से ये किसी व्यक्ति को नाराज़ नहीं करना चाहते। दोनों ये जो व्यक्ति हैं, बड़प्पन इनके अंदर बहुत, बड़प्पन का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हैं, कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति हमेशा कि इनके अंदर बड़प्पन वाली बातें होती हैं, चाहे ये बड़प्पन ना दिखाएं लेकिन अंदर से इनका मन होता है कि हम किसी की हेल्प करें, हम किसी के लिए कुछ करें, जो हम काम करें लोगों के लिए करें, लोगों समाज का कुछ अच्छा देखें, समाज की कुछ हेल्प करें, इस तरीके से बड़े बड़े इरादे, वो भी परोपकार को लेकर के, सहानुभूति को लेकर के ये काम करते हैं और कर नहीं पा रहे हैं तो सोचते से ज़रूर हैं और जब सोचते हैं तो कुछ ना कुछ करते भी ज़रूर हैं। इसलिए इनका कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का दिल जो है बहुत बड़ा होता है, इनके दिल में सभी समा सकते हैं, साथ ही साथ में साफ साफ हृदय वाले भी होते हैं, कभी किसी के प्रति हृदय में गंदगी नहीं रखते हैं और एक विशाल दिल वाले होते हैं। दोस्तों, हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में जब जगह कम हो और वहाँ पर एक्स बन जाए, जगह क्योंकि कईयों की काफ़ी जगह होती है लेकिन कईयों लोगों के बीच में इन दोनों रेखाओं के बीच में बहुत ज़्यादा कम जगह होती है और उस कम जगह पर अगर एक्स बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है दिल से, हृदय से, अपने उनके स्वभाव से कुछ ज़्यादा ही भावुक होते हैं। भावुक सब होते हैं लेकिन ये बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बात पर रोना इनको बहुत जल्दी आ जाता है, इन्हें अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी से कुछ भी बातें इन्हें हर्ट करती हैं और जल्दी दुखी होने वाले होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है। भावुक होने के कारण जो है इन्हें नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता है, जैसे चाहे वो धन का नुकसान हो, बेइज्जती का, इज्जत का नुकसान हो या फिर दिल टूट जाने का नुकसान हो, बहुत ज्यादा होता है। किसी की भी परेशानी देखकर के बहुत जल्दी हृदय भर आता है, जल्दी समर्पित होने की कोशिश करते हैं, कोई इन पर अगर अधिकार जमाने की कोशिश करे तो ये जल्दी से बोल भी नहीं पाते कि ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये भी बोलना इनके लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। जल्दी दिल लगाने वाले होते हैं, किसी का जो है दुख देख नहीं सकते, चाहे खुद ही दुखी होना पड़े लेकिन दूसरों को उस तरीके का सपोर्ट कर देते हैं ताकि वो सुखी हो जाए और उसका वो दुख दूर हो जाए, इसीलिए हेल्प हमेशा किसी न किसी रूप में, हर किसी रूप में करने को तैयार रहते हैं, समर्पित रहते हैं धन मन तन धन से। तो ये एक्स का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व दिखाई देता है। भरोसेमंद इंसान होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके एक्स हो मस्तिष्क और हृदय रेखा के मध्य,
चाहे वो छोटी जगह पे हो या फिर चौड़ी जगह पे हो। एक्स यदि हो तो एक्स जिनके भी है, वो जो है कोई भी व्यक्ति, किसी की भी अगर पहचान करनी हो तो जिनके एक्स है उन्हें कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, उन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं करेंगे, अपना ही करेंगे। अपितु इरादे के बड़े पक्के होते हैं, यदि इरादा उनका है जिससे प्रेम करना है उसी से करते हैं, जिससे विवाह करना है उसी से करते हैं, जिसको पार्टनर बनाना है उसी को बनाएं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो लाइफ में हो या किसी तरीके का, जिस पे चाहे वो यहाँ तक कि उनके घर के नौकर भी होंगे तो वही नौकर सालों साल काम करने वाला होगा, पूरा भरोसा करते हैं। तो ऐसा दूसरों पर भी भरोसा करते हैं और स्वयं भी ये भरोसेमंद होते हैं, इन पर आप जो है पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। वायदे के बड़े पक्के होते हैं, जो इन्होंने कह दिया आपके लिए उससे कभी मुकरेंगे नहीं। प्यार में किसी को धोखा देने वाले नहीं होते, लेकिन स्वयं को धोखा उन्हें मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, पैतृक धन से सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा जीवन में मिलता है। क्रॉस यदि ऐसा हो, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जगह ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो क्रॉस बन रहा है वो छोटा सा क्रॉस बन रहा है, वो जो है टच नहीं कर रहा है ऊपर वाली लाइन से, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा टच नहीं कर रहा है, केवल एक्स बना हुआ है, तो ऐसा एक्स जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैतृक धन संपदा भी देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होते हैं, फालतू में ही धन बर्बाद करते रहते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें धन के कारण आगे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे व्यक्ति और जिनके भी एक्स, सभी एक्स वालों को मैं बात कर रहा हूँ, जिनके भी हाथ में एक्स मस्तिष्क और हृदय रेखा के मध्य है, ऐसे सभी व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ करने की कर्मठता बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पर हमेशा खड़े होते हैं, स्वयं पढ़ाई करने वाले होते हैं, स्वयं काम करने वाले होते हैं, ऐसा काम करके मेहनत करके ऊंचे पदों पर जाकर के बैठते हैं या ऊंचे स्तरों पर जाकर के लीड रोल करते हैं। बाहुभोग धनाढ्य, ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल पर अपना कुछ करने की ठानते हैं, अपना कुछ करके दिखाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, और अपने बाहुबल पर अपने जीवन में धनाढ्य सम्मानित उच्च पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति होते हैं और सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। जो इनसे प्रेम करता है उसके प्रति तो प्रेम होता ही है अधिक विशेष, लेकिन वैसे भी सामान्य रूप से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम कि हम तो प्रेम करते हैं आप करो या मत करो। अधिक जानकारी के लिए, हाथ की रेखाएं पढ़वाने के लिए, हैंड रीडिंग करने के लिए या फिर कुंडली एनालिसिस करने के लिए, सॉल्यूशन जानने के लिए, आप हमारे इन नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिएगा। राधे राधे।